तो आज फिर से हम लोग का पार्सल आ चुका है फ्लिपकार्ट जो नए इंडिया के साथ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो फिर से हम इसको फाड़ने वाला नौटंकी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी फाड़ के रखे हुए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से सिंपली खोल सकते हैं। ये जो है बहुत अच्छा तरीका है इसको खोलने का, तो आप लोग आराम से खोल सकते हैं। और यहाँ से आपको जो दिख रहा है यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा 1-2 खींचना होगा, इधर से खुल जाता है। फिर सेम आपको वैसा ही करना बिना कोई मेहनत किए। तो चलिए यहाँ तक तो आ गए, अब फिर इसके अंदर एक और लेयर है तो इसको भी निकाल लेते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पोको X3 प्रो, जो हाई परफॉर्मेंस यहाँ पे सब कुछ आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियाज नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड है। और पहला चीज़ कि यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, तो यहाँ पे आपको पोलोथिन प्लास्टिक कुछ नहीं मिल रहा है। इधर से कुछ फाड़ने वाले वाला जुगाड़ है नहीं क्योंकि हम पहले ही चेक कर लिए हैं और वीडियो थोड़ा लेट बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्नैपड्रैगन 860 और उसके बाद जो रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्ज का है, फुल HD प्लस डिस्प्ले है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा है और बैटरी जो है बहुत ही बढ़िया है, 5160 मेगा हर्ट्ज का बैटरी है। और यहाँ पे जो 20 मेगापिक्सल का इन स्क्रीन सेल्फी कैमरा भी मिलता है। और उसके बाद बाकी सारे चीज़ जो है यहाँ पे आप लोग फुर्सत में पढ़ सकते हो, हम भी बहुत मेहनत से पढ़े थे। और साथ साथ आपको गेम टूर्बो का भी 3.0 जो नया अपग्रेड वर्जन है वो भी मिल जाता है, तो आप इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात जो है पूरा ही मेड इन इंडिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कलर देख सकते हो, जो फ़ोन का हम मंगाए हैं ग्रेफाइट ब्लैक है और वेरिएंट जो है 6 GB रैम और 128 GB रोम है। यहाँ पे आप लोग स्कैन करके बहुत कुछ पता कर सकते हो, लेकिन नहीं पता करना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। यहाँ से हम लोग धीरे से इसको पलट देंगे, पलट के इस ढक्कन को उठाएंगे। अब इसके ढक्कन के अंदर आप लोग सोचेंगे और देखेंगे ये क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पोको ब्रांड का नाम मिल जाता है, उसके बाद इसको निकालते हैं। निकालने के साथ साथ हम लोगों को यहाँ पे ये जो सिमम निकालने वाला पिन होता है, सब तो आप लोग बहुत समझदार हैं, उसके साथ इसके अंदर एक कागज़ मिल जाता है। पहले आप लोग इस कागज़ को क्या करना है खोल के बढ़िया से देख लेना, यहाँ पे सब कुछ है। सबसे पहले आपका धन्यवाद देगा क्योंकि आप लोग पोको X3 को चूज किए हैं, नहीं चूज करते तो फिर आपको गाली वाली खाने को भी मिल सकता था, इसलिए आपको पहले धन्यवाद मिलेगा। और जो सिम कार्ड का ट्रे है वो कुछ इस तरह का है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब स्लॉट में कैसे कैसे लगाना है। उसके बाद अबाउट डुअल सिम, सब कुछ यहाँ से आप लोग पढ़ के लिख के सब कुछ समझ सकते हो। यहाँ से नहीं पढ़ा जाए तो फिर आप लोग अपना चश्मा का नंबर बढ़वा के इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद इसमें बहुत बढ़िया एक खूबसूरत कवर मिलता है जिसका ढक्कन पहले से खुला हुआ है बिना प्लास्टिक का, आप लोग देख सकते हो इतना अच्छा इसका कवर है। और फ़ोन में लगाने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि शुरू में सब कुछ टाइट ही होता है, ढीला कुछ नहीं आता है, तो आप लोग इसका भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं कि फ़ोन हम लोगों का कैसा है, तो हाँ फ़ोन का प्लास्टिक इसमें बचा हुआ है, फ़ोन हम आपको दिखा देंगे क्योंकि फ़ोन पहले से हम लोग बाहर निकाल कर रखे हुए हैं। जो फ़ोन है आपका कुछ इस तरह से दिखता है, क्योंकि जो कलर है वो भी आपको बताए थे, इधर आप लोग पीछे पढ़ सकते हो ग्रेफाइट ब्लैक है और वेरिएंट तो आप लोग समझ ही चुके हो, कुछ इस तरह से दिखता है पीछे से। सामने से आप लोग देखोगे तो सेम सब स्मार्टफोन जैसा ही दिखेगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग चालू करके देख लेते हैं कि चालू होता है कि नहीं। आपका जो फिंगरप्रिंट का स्कैन करने वाला यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे जो पावर बटन है उसी के साथ मिलेगा, सब कुछ आप कर सकते हो। फ़ोन को अपडेट कर लेना जिसमें आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा कि आपका फ़ोन जो है बिल्कुल फ्री चलने वाला है। अब जानते हैं इसके अंदर और क्या क्या दिया गया है, तो थोड़ा सा हम इसको ओपन करते हैं क्योंकि कागज़ से तो मतलब है नहीं। देखिए ये है डाटा केबल, ये बिना प्लास्टिक का डाटा केबल दिया गया है। अब पता नहीं दिया गया है कि नहीं दिया गया, प्लास्टिक खो गया इसलिए प्लास्टिक हम लोग नहीं दिखा सकते हैं आपको। इसका जो चार्जर है वो बिल्कुल प्लास्टिक में है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इसका प्लास्टिक है जो बहुत बढ़िया है। अभी तक हमारा जो पुराना Redmi Note 8 Pro था उसमें का भी प्लास्टिक बहुत बढ़िया था। यहाँ पे आप लोग ये सब चार्जर के बारे में जान सकते हो, अच्छे से सबको समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत हो तो EMI में कंप्लेंट कर सकते हो। और ये देख के बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है कि EMI का है यानी कि Redmi का है, तो Redmi का अलग वो चीज़ है जो पोको बोलते हैं जिसको। तो बाकी सब मिला जुला के यही सब फ़ोन है, आप लोग देख सकते हो इसको यूज़ कर सकते हो। और पबजी जो इसमें चलता है बहुत ही बढ़िया चलता है, इसका प्लास्टिक इधर उड़ गया था, प्लास्टिक के विरुद्ध हैं हम लेकिन प्लास्टिक आपको दिखाएंगे यहाँ पे। तो सब मिला जुला के इतना ही स्पेस आपका घेरेगा जब आप लोग 20,000-19,000 रुपये खर्चा करोगे। और इसका नेक्स्ट वेरियंट जो 8 और 128 है उसको लेगो आप लोग अगर लेते हो तो 21-22 के आसपास तो पड़ ही जाएगा। और कुछ ऑफर ऑफर हो तो वो भी देख लेना, और आप लोग चाहते हो उससे भी कम में कुछ ऑफर के साथ लेना
तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा वहाँ पे आप लोग क्लिक करके अगर फ़ोन खरीदते हो तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप लोग जब भी फ़ोन खरीदना हो, आपको पोको एक्स थ्री प्रो लेना हो या फिर कोई भी फ़ोन लेना है, तो आप लोग वहाँ पे सब चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। और स्पेशली जो लिंक होगा वो पोको एक्स थ्री प्रो के लिए होगा, उस पर आप लोग क्लिक करके आसानी के साथ खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।